और सोशल साइट पर अयोध्या से जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार मामले को सुलझाने के लिए ऑनलाइन सर्वे कर रही है। क्या है मामले का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या योगी राज में सुलझ जाएगा अयोध्या विवाद? क्या योगी सरकार मामले को सुलझा लेगी? क्या बरसों पुराना मसला खत्म हो जाएगा? क्या सुलझ जाएगा मंदिर मस्जिद विवाद? क्या राम की नगरी में निकल पाएगा सुलह का फार्मूला? ये वो चंद सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद उठ खड़े हुए हैं, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने मंदिर मस्जिद विवाद को कोर्ट की चौखट के बाहर सुलझाने की सलाह दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे अदालत के बाहर आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी के बाद रोजाना इस विवाद में बयानों का एक नया अध्याय जरूर जुड़ता जा रहा है। जब सियासी लोगों को हटा दिया जाए, धार्मिक लोग बैठे, जब तक के धर्म के अंदर जब तक के पॉलिटिक्स और सियासत इन्वॉल्व रहेगी, तब तक के मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हल नहीं होगा। दोनों पक्षों की तरफ से सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रशीद फिरंगी का कहना है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने का सुझाव दे रही है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। यह पहल भी कर दी है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज एकजुट हो और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करे। इस राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट हम रखेंगे। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अलग ही दम भर रहे हैं। कोर्ट से फैसला हो जाता अच्छा है, परंतु हम 2018 में हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी राज्यसभा में, फिर हम कानून भी ला सकते हैं, जैसे राजीव गांधी ने शाबानो के लिए लाए थे मुसलमान के लिए। यूपी में मिले प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने सूबे की कमान फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, जो खुद अयोध्या में राम मंदिर बनाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके समर्थकों को भरोसा है कि उनके कार्यकाल के दौरान अयोध्या में मंदिर निर्माण का न सिर्फ रास्ता खुलेगा, बल्कि योगी सरकार मंदिर बनाने का काम भी कर सकती है। योगी से उम्मीदों के बीच सोशल साइट्स पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा है, अयोध्या का मुद्दा सरकार का ऑनलाइन पोल। मैंने अयोध्या मुद्दे पर हो रहे ऑनलाइन पोल में हिस्सा लिया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी वोट करें। वोट करने के लिए ayodhyaissue.gov.up.in पर जाएं। सरकार के साथ आप अपना विचार जरूर शेयर करें। आखिर इस मैसेज का सच क्या है, क्या हकीकत है इस वायरल मैसेज का? आज न्यूज नेशन इसी की पड़ताल करेगा। वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू करने के बाद कई सवाल हमारे जहन में थे, जिसके जवाब का इंतजार इस मैसेज को सर्कुलेट कर रहे लोगों को भी होगा। मसलन, क्या योगी सरकार अयोध्या पर ऑनलाइन पोल करा रही है? क्या ऑनलाइन पोल के नतीजे से होगा मंदिर पर फैसला? क्या ऑनलाइन वोटिंग से 22 करोड़ लोगों की राय जानी जा सकती है? क्या ऑनलाइन पोल के नतीजों को विवाद से जुड़े पक्ष मानेंगे? क्या योगी सरकार ने बिना सूचना दिए ऑनलाइन पोल शुरू किया है? राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ और अयोध्या तक हमारी टीम इसकी तफ्तीश में जुटी। पड़ताल के दौरान हमारी नज़र बीजेपी नेताओं के कुछ पुराने बयानों पर भी पड़ी, जिसमें वो मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। जहां एक तरफ कानून के दायरे में मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरे वीडियो में योगी आदित्यनाथ कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर अयोध्या में राम लला मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। 30 सितंबर 2010 को न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला इस बात को साबित करता है कि जहां भगवान राम लला विराजमान है, वही राम जन्मभूमि है। तो हम लोगों को मंदिर निर्माण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना होगा, इसके लिए अब सबका आह्वान है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से शामिल रहा है। तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कई जानकारियां सामने आ रही थी,
बीजेपी नेताओं का अयोध्या विवाद पर नजरिया भी सामने आ रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला था कि क्या योगी सरकार ने ऐसा कोई ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है जैसा दावा वायरल मैसेज में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी किसी तरह की कोई वेबसाइट नहीं बनाई गई है जिसमें मंदिर पर अपनी राय प्रकट की जा सके। हमारी तफ्तीश में ये बात साफ हो चुकी थी कि ऑनलाइन सर्वे यूपी सरकार ने शुरू नहीं किया है, लेकिन हमारी तफ्तीश अभी भी जारी थी जिसमें इससे जुड़ा एक और सच सामने आया। ये वो URL दी गई है जिस पर कहा गया है कि आप वोट कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर आवर व्यूज विद गवर्नमेंट। यानी कहा गया है कि आप जो भी सोचते हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या मसले के बारे में आपकी जो भी राय है वो आप इस URL पे, जो कि इसमें आप देख सकते हैं नीले रंग से दी हुई है, इस पर आप ज़रूर अपना व्यू डालें इस URL पे, इस लिंक पर क्लिक करके। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो हमने ये पाया कि जो लिंक इसमें दी गई है जो ये है http://ayodhya-issue.gov-up.in/, ये दरअसल ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल URL है ही नहीं। ऑफिशियल URL क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट इज http://up.gov.in, एक सिंपल सी ये लिंक है, ये URL है, ये वेबसाइट का URL है जो कि यूपी गवर्नमेंट का है। तफ्तीश में ये बात साबित हो गई है कि वायरल मैसेज गलत है। कोई अयोध्या को लेकर सर्वे तो कर रहा है लेकिन इसका यूपी और योगी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। Deep News Nation.